हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशियां की सभा के जहां मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं के लिए हम सब एकदम ठीक है। पिछले ब्लॉग के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। तीन बार मुझे अपना मुंह अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना पड़ा, तब जाके मेरा मुंह साफ हुआ है। आज है संडे तो निकलते हैं थोड़ी देर बाहर। आज बाहर मौसम जो है वो बड़ा अजीब है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। अरे ये कहाँ से आया है? चलो आके देखते हैं। जा रहे हैं, ठीक है। फिर तुम नीचे कैसे जाओगी? अभी जाऊंगी। ठीक है, चलो। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बच्चे हैं। चलो अम्मा को नीचे जा रहे हैं, छोड़ दे लिफ्ट में, लोग को डर लगता है। फंस गए अम्मा हम लोग। नहीं आया, वहीं है। लिफ्ट ऐसी होती रहती है। फिर जाने लगी लिफ्ट अम्मा। अभी फंस गए थे, यहीं रुकना पड़ता दिन भर। चलो रिजा बाय, आ रही हूँ। पढ़ाई करो, बस थोड़े दिन की बात है, फिर आजादी है ना। आवा कहाँ है? घूमने। बाय बाय। चलो अम्मी पढ़िए नमाज। बाय रिजा। जैसे अभी तुम लोगों को लग रहा है ना रिजा, ऐसे हमने भी पढ़ा है। सबके साथ एक टाइम आता है, उसके बाद आजादी होती है। आई समझ? ये देखिए फ्रेंड्स, कैसा मौसम हो रहा है। बादल, बिजली, सब इस टाइम पे, वो भी सर्दियों के टाइम पे बारिश। तो ये देखिए फ्रेंड, कैसा मौसम हो रहा है। और अभी सिर्फ 5 बजे है, 5:15 हो रहा है। 3, 2, 1। तुम नाम बताओ क्या? बहुत देर से हम एक स्टोर ढूंढते हुए आए हैं। मुझे सनी को यहाँ पे स्पेशल लेके आना था। पता नहीं वो ही जगह है कि नहीं। वही है ना, बड़ा अजीबोगरीब लिखा है ये वेज नॉन वेज। यहाँ माँ है आपके लिए स्पेशली। मेरे लिए क्या है? चलो तो यहाँ पे आप चूज करिए। अच्छा, अरे भाई जूते के साथ में ब्रश भी फ्री मिलेगा ब्रश करने के लिए। लाल ले लो। नहीं चले तो फाइनली हो गई सरप्राइज वाली शॉपिंग। ये होती है सरप्राइज वाली शॉपिंग भाई। बारिश, मुझे झूठ बोल के ये बता के लेके आई कि मुझे आना है वहाँ पे मेकअप खरीदने। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था और मुझे एड्रेस भी नहीं मिल रहा था और मैं सही से पूछ भी नहीं सकती थी। बहुत घुमाया जीपीएस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह ले गया भाई। तो अभी हम लोग आ गए हैं जियो मॉल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा सामने और बारिश हल्की हल्की हो रही है। चलते हैं अंदर। एकदम रिजा के मतलब का स्टोर ओपन हो गया है, उसके साथ ही आएंगे। सब कुछ है, किचन का सामान भी है और स्टेशनरी भी है। ये क्या है? ये बाल का ब्रू है। फ्रेंड्स, यहाँ के एक और अच्छा फायदा हो गया कि यहाँ में हमारी वॉचेस के बेल्स मिल गए हैं फाइनली। ये कैसे, ऐसे ही रहेगा? ये ऐसे ही रहेगा। मेरा ये वाला था फ्रेंड्स, अब मुझे ब्लैक चाहिए जो सब आउटफिट्स में चला जाए। आ गए नाइकी स्टोर। ये दोनों टी शर्ट हमने लिए, समीर भाई के बेटे का बर्थडे है आज, तो उसके लिए हम सरप्राइज दे रहे हैं। ये उन ले लेंगे, उनको अच्छा लगेगा। गाइड का कुछ खाना है। फाइनली अब कुछ खाने का टाइम मिला है फ्रेंड्स, और बहुत तेज भूख लग रही है। इधर पे ना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मॉल में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन देसी वाली चीजें नहीं मिल रही है। अब देखते हैं मैं क्या खाती हूँ। दो मैं तुमको ढूंढ के लेके आया हूँ यहाँ पे। मीठा नहीं चाहिए? मीठा मीठा ठीका भी होगा, शुगर फ्री भी होगा। मुझे पढ़ते नहीं बन रहा है तो पता नहीं खाने में कैसा। ये इसमें भी कुछ और है। लगी है बहुत तेज भूख, क्योंकि दिन में मैं तो खाना खाया था, लेकिन सब ने खाना नहीं खाया। पहले खाना जरूरी है ना, बीवी भूखी है, उसको बेचारी घूम रही है बार बार सबके लिए, सब कुछ करते हुए किसी कुछ खाए किसी कुछ खाए। पहले खाना, उसके बाद सारे खाओ। ये आ गई मेरी कैफे लाते। आलू वाला, आलू वाला नाम इसका पता नहीं क्या है, बस आलू वाला नाम है। इसमें आलू भरा है अंदर, आलू है। चलो अभी मेरा क्या था वो भी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये आ गया मेरा खाना, इसके अंदर ये देखिए। इससे अच्छा तो मैं भूखी ही कह लेती। चीज निकाल दो ना, अगर नुकसान करता भी है तो निकाल दो इसको।
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो तेरे पेट में गया अंदर, सुकून मिल रहा है। यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी है बकलावा की, तो हमने घर वालों के लिए लिया। तुम नहीं खाओगी? हाँ मैं नहीं खा रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने उनसे पूछा इसके टर्की से कोई कनेक्शन है या नहीं, तो उन्होंने बोला टर्किश शेफ है। नियत लगी है भाई आज बहुत ज्यादा, नियत लगी है क्या तेरी? देखिए यहाँ पे कुनाफा है और ये यहाँ बार बार खड़ी हो रही है, नियत लगी है इसकी। चल दूर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मुझे स्टॉल बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे घर की चीजें हैं, और जैसे आज मैं पहली बार एंटर करी थी तो यहाँ पे इतने प्यारे मिरर्स हैं। हम यहाँ पे जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हम ये जरूर लेंगे क्योंकि शूट पे काम आएगा, फिर मैंने इसका प्राइस देख लिया। बहुत तेज यहाँ से चलो फटाफट जल्दी से। लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छा हर चीज 50,000 की 60,000 की अच्छा हो गई। चलो सारी चीजें हो चुकी है फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर। हम लोगों के साथ पक्के तो नहीं घूम के? नहीं नहीं, लीजिए ये आपके बेटे के लिए। अरे लीजिए और ये मीठा है आपकी फैमिली के लिए, केक सब खाते है ना। ठीक है भाई, क्या होता है रोला क्या दिया यार, बच्चे हैं। आपको इसका बहुत अच्छा बेहतरीन। आमीन आमीन, बस दुआ किया करिए। तो घर आ चुके हैं फ्रेंड्स और अभी भी बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या ऐसे अभी से नींद नींद जैसे क्या हो गया? वर्कआउट करके तुम्हें जरूरत है वर्कआउट की? सब लोग आज इतनी जल्दी सो गए? हमें भूख लग रही है इतनी ज्यादा। तो ये ऐसे ऐसे ये आजकल बहुत ऐसे करने लगा है फ्रेंड, पता नहीं रेहान थकान मतलब वीकनेस। तुमने मौदा में अच्छा खाना नहीं खाया और नाल गोश्त हाँ क्यों नाल गोश्त को बदनाम कर रहे? घर पे खाना नहीं बनता था, की गलती है ये। अब आवाज से पूछेंगे और तुम्हारी अम्मी ने भी जब भाई का ब्लॉग देखा, घर पे खाना नहीं बना आज तुम्हारी अम्मी के सामने बात होगी, क्योंकि जब उन्होंने ब्लॉग देखा तो नाल गोश्त आया और सबने खाया नाल गोश्त। मैंने यस रिहान यस भी आंखें पूरी लाल हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी इचिंग हो रही। अभी तुम्हारी अम्मी आ रही है, वो बताती है पूरी तबीयत खराब कर दी मोहतान ने, पूरी तबीयत खराब कर दी मोहतान ने, पूरी तबीयत खराब कर दी मोहतान ने। सनी सुन रहे हो क्या? मधा में जाके बीमार हो गया तुम्हारे मधा के बारे में। 20 दिन से ध्यान नहीं रखा। उसने किया क्या है? इसने घर की चीजें खाई नहीं है। हाँ, इसने चूरन की गोली खाई है, इमली। सही बात बताओ जो तुमने खाया है, झूठ मत बोलो। अरे बट मौधा को बदनाम किया तो देख लेना। ब्रेकफास्ट नहीं बना वहाँ पे टाइम पे। लो तुम लोग लो अम्मी मौधा को बदनाम कर रहा है। तुम लोग को बदनाम कर रहा है कि ब्रेकफास्ट टाइम से बना ही नहीं है। ब्रेकफास्ट हम अम्मी अच्छा आप घर में थी? फ्रेंड्स मैं तो नहीं थी, मैं तो अपने घर पे थी। ठीक है, क्या इन्हें खाना नहीं मिला घर पे? खाया नहीं। और असलाम बेटी खाला, तुम्हारे बेटे तुम पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि मुझे घर पे खाना नहीं मिला। परवल की सब्जी बनी आज नहीं, कह रहे हैं मौधा में अम्मी के यहाँ खाना नहीं, खाना नहीं बना। बताओ सब्जी सब कुछ 20 दिन है, 20 दिन में 15 दिन तो नाल गोश्त खिलाया है। तुमने खाया है नाल गोश्त? तो नाल गोश्त ही था और कुछ था ही नहीं। और मैंने जब नाश्ता मांगी तो बच्चा आया और ब्रेड मिल रहा था। नाश्ता पीकर तुमने नाल गोश्त खाया? रात भर जगह दिन भर सोया। पूरा रोटी मुझे पूरे दिन नाश्ता नहीं मिला। क्यों नाश्ता नहीं मिला? तो मेरा रूटीन खराब हो गया था और कुछ नहीं। चल चल 3 घंटे तो वॉशरूम में पानी पिया। क्यों इतना काम है? 5 बच्चे हैं जाएंगे, टेंशन ही क्या बात है। अभी कल के 20 फिर 40 हो ये तो हम बना लेते हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट रहता था। हाँ ये राउंडर मुझे तो आता ही है। इसे कहते थे 6 पत्ती का गोला, ये नाजा खाला और बेटी खाला ने मुझे सिखाया था। तुम लोग बनाते थे 6 पत्ती का गोला? 6 पत्ती का गोला, साड़ी खिनारी ये सब बनाते थे। वही है। तो फ्रेंड्स आज हमने एक कुक आंटी को बुलाया था ऊपर ट्रायल के लिए, तो उन्होंने हमें दाल सब्जी बना के दी। अब देखते हैं कैसी लगती है। सब्जी तो सही दिख रही है, दाल भी सही है, चावल भी सही है और रोटियां भी सही है ना। आप लोगों के लिए बकलावा, हमने आपको पता है कि कितना महंगा बकलावा है? 1 पीस 130 का है। कहा के तुम लेके आई 130 का है ना सर? 180 130 130 का एक पीस तो मैंने कहा टेस्ट कराने को तो लेके जाऊंगी। बड़ा मॉल महंगी महंगी चीजें खैर अच्छा बहुत है हाँ। पर मीठा बहुत ज्यादा। अच्छा मीठी की तो चीज ही है वो, मैंने काजू वाली ली। फ्रेंड्स आप सब भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो कि सनी ने बहुत मेहनत की, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। आप सब भी अम्मी बोल रहे थे तो मैंने आज सनी को दिया है सरप्राइज। यहाँ डब्बा देख लिया, मैं उनको शोरूम के बाहर ले जाके बोला कि ये हमें तुम्हारे लिए है। उसने बोला कि हम जा रहे हैं मेकअप लेने, मैंने कहा पता नहीं तुम कहाँ से मेकअप ले रही हो। जियो वर्ल्ड के अंदर से नहीं लिया? नहीं, नहीं। अच्छा मुझे वहाँ से लिया। हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सही लिया।
सोच रही थी रिहान को ले लो, फिर मैंने सोचा उसको लेके आऊंगी, ऐसे रिहान के जूते भैया समझ में नहीं आते। चलो हैप्पी कि बहुत अच्छा मेकअप किया इसके लिए। फ्रेंड्स बुकिंग के लिए इस नंबर पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें। देखो मैं इतनी दूर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा, जाहिर सी बात है काम से ही गई थी, जो भी काम था वो तुम सबको पता चलेगा कल। हिंट तो दे दो। नहीं छोटा छोटा सा, एक छोटा छोटा सा सरप्राइज। कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो वो तो कहीं नहीं। फ्रेंड्स भैया इसकी कितनी तारीफ कर दी है की कमेंट्स पढ़ के खुश हुआ जा रहा है। अच्छा लग रहा है पढ़ के, लेकिन मेरा खाने वाला पार्ट तो सब पूरा गोल कर दी, किसी तारीफ नहीं करी खाने वाले पार्ट की तो यार। वाकई मतलब आज कमेंट पढ़ के दिल खुश हो गया आप लोगों ने, जो जैसे मैंने अपने अपनी फैमिली से यूट्यूब फैमिली से बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताएं, उन्होंने वैसे ही वाला रिस्पांस दिया। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुश हूँ और अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, मेरी यही दुआ आप सबके साथ में। हम लोग तो ऑन कैमरा करते हैं, आप लोग घर में भी कभी कभार अपनी बीवियों को मेकअप कर सकते हैं। ये देखने के बाद तो कोई भी बीवी नहीं कराएगी। आप लोग करवा लेना अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, इसी बहाने आप सब पूरी फैमिली मिलकर हंस भी तो लोगे कम से कम यार। हंसना जरूरी है दुनिया में, तो बस हंसो खेलो मुस्कुराओ और आराम से रहो। कहाँ से आया था फ्रेंड्स ये चेक करते हैं, जिसने भेजा है बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा महक रहा है, इसको खाएंगे इंशाल्लाह सुबह। क्या टॉवल है सनी, ये तुम्हारे लिए गर्म है का आया है? हाँ। अच्छा है ना माऊ वाला इसका वो भी है नीचे का पैंट, तुम इसको पहन के सोया करो, इसको इसको मैं ही पहन सकता हूँ। जी नहीं आपके लिए नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है नेक्स्ट डे और हमें जाना है आज भाई की शूट में। मैं कंफ्यूज हूँ कि ये पहनूं या ये पहनूं, बट सबा कह रही ये वाला पहन लो तो मैं ये पहन रहा हूँ। और उसके बाद पता चलती है, अभी देख लेंगे ट्राई करेंगे। हाँ। हम लोग रेडी हो ही रहे, मतलब मैंने आउटफिट तो पहन लिया है, हम आज जा रहे हैं भाई के सेट पे। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी, क्योंकि आज उनका शूट वाला डे है। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। भाभी भी जा रही है, आपने देखा होगा भाभी सबके लिए बिरयानी बना के लेके जा रही है। तो भाई ने कहा एक काम करो, तुम लोग यहाँ तो तुम लोग भी आ जाना देखने। तो सारी मेरी सुबह की डाइट की चीजें हैं वो मैं कर लेती हूँ, बाकी दिन भर पता नहीं वहाँ जाके फॉलो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सुबह सुबह से इतना पानी हो जाता है कि बाहर जाओ तो इतने बार वॉशरूम जाने का वो होगा। हम लोग निकल ही रहे थे और अभी जस्ट यहाँ पे मुझे चप्पल फील हुई कि टूट गई। कोई और चप्पल नहीं है क्या? आज मैं अम्मी से मिले बिना जा रही थी तो अल्लाह ने मेरी चप्पल तोड़ दी। आज हमने कहा आवाज़ से नहीं मिलोगी, तो मैंने कहा नहीं रेहान भाभी नीचे खड़ी है और लेट होगा। जैसे बहाना लग गया चप्पल। हाँ। अम्मी से मिलना इतना इम्पोर्टेंट था, तो कह रहा टूटती अभी कैसे हटा देना। जल्दी नहीं जा रही थी, भाभी को वेट ना करना पड़े इसलिए लेंस हाथ में लेके जा रही थी। अब लेंस लगाने का भी टाइम मिल गया, हमने कहा भाभी आप पहुंचो और फिर हम आते हैं। मेरे पास एक ही काली अच्छी चप्पल थी जो इस आउटफिट के साथ जा रही थी, बाकी फिर मोज रही है, मैंने कहा थोड़ी सी तो हाइट दिख जाएगी। जब पहन रहे थे तो मुझे लग रहा था ये बहुत पुरानी है, कभी कभी आप जो सोचो वो हो जाता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये तो चप्पल घर में टूटी है, कहीं अगर बाहर टूटती तो और बवाल हो जाता कहीं पे। हाँ। अभी मैंने ये मोजरीज पहन ली है, इसमें हल्का सा पिंक है तो साथ में ये बैंगल्स पहन ली है। पहुंच गई इस सेट पे, तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ सेट पे और यहाँ देखिए भाभी का काम चल रहा है। आपने सच में बना ली इतनी बिरयानी? हाँ। सच में? हाँ। देखो 10 किलो चिकन मंगाया था उसकी बिरयानी, ये सच में इस बार इम्पॉसिबल लग रहा था, मतलब आप बना लेते। हाँ। हो लेकिन ये थोड़ा ज्यादा था। इनफैक्ट मैं अभी भी डरी हुई कि टेस्ट सही आया। अच्छा इतने सारे प्रपोर्शन में पहली बहुत बार बड़ी बात है। अरे भाई आंटी भी यहाँ पे आए। आंटी अरे आपने पूरी रात बनाई है? नहीं मैंने चिकन कल बना के रखा। अच्छा चावल आज सुबह से। अच्छा हाय दादा, थैंक यू चाय के लिए। सही कर रहे हो कि नहीं वो देख रहा है, देख रहा है, काम कर रहा हूँ बाबू, चेक रख रहा है कि सही से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, फुली उनका परफॉर्मेंस वाला है पर ऐसे हो रहा है नर्वसनेस तो भाई का परफॉर्मेंस हो गया है। फ्रेंड्स आज मैं फर्स्ट टाइम आई थी झलक के सेट, बहुत मजा आया। ये परफॉर्मेंस आएगा सैटरडे या संडे, तो अब आप देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, वेलकम मैम। नहीं सही है बहुत, आप लोगों को है जगह? हाँ, चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बड़ा मजा आया, मजा आया बहुत। मैंने तो बहुत दिनों बाद शूट पे आई हूँ तो अच्छा लगा सबके साथ, ऐसे पुराना टाइम याद आ गया। मेरी बिरयानी हिट हो गई। फ्रेंड्स मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई लेकिन खुशबू बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने नहीं खाई। ये तो बची हुई नहीं अच्छा। अभी मतलब मैं चावल मना है अभी। चलो ठीक है, जब तुम्हारा चीट डे होगा तब बताना, स्पेशली बनेगी। चलो
फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, मतलब इतने टाइम बाद जैसे पहले मैं जाती थी भाई अभी के साथ सेट पे। दिन भर सेट का ना माहौल ही अलग होता है, वहाँ पे इतनी चहल पहल होती है, वहाँ पे चाय पीने का भी एक अलग ही मजा होता है। और तो मैंने इतने बड़े बड़े जजेस को भी देखा, गौहर को देखा, सब कुछ। लेकिन आज मैं ना थोड़ा ऐसे गई थी जल्दी जल्दी में और लास्ट मोमेंट पे सनी भी नहीं जा पाया, तो मेरा मन भी नहीं अच्छा था, तो मैंने किसी के साथ ना फोटो ली ना किसी के साथ ब्लॉग लिया। इंशाल्लाह सनी के साथ दोबारा जाएंगे, फिर सबके साथ फोटो लूंगी। शिव से भी मिली और किससे मिली, संगीता से मिली, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बाकी सब दूर बैठे हुए थे। और आज ना फ्रेंड्स एक नया एक्सपीरियंस भी था, मतलब पहली बार जब एंटर करे तो वहाँ पे इतने सारे पैप्स खड़े हुए थे, मतलब फोटो खींचने के लिए खड़े हुए थे। थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था, और खुशी तो होती है क्योंकि आपको इतने लोग पहचानते हैं, आपको कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन पता होता ना तो मैं थोड़ा और अच्छे से रेडी होके जाती, कुछ अच्छे कपड़े पहन जाती। अम्मी से मना के बोला, मैंने कहा अम्मी आज ही लाइफ में पहली बार न्यूज वालों को मेरी फोटो लेनी थी, जब मैं अच्छे से नहीं गई थी, मतलब ना ही दुपट्टा सही से था, ना ही मेरा आउटफिट सही से था, मतलब जल्दी जल्दी, ना ही मेकअप, ना ही हील्स की चप्पल। हील में भी थोड़ा पोस्चर अच्छा आता है, आप अच्छे लगते हो, ऐसे मोजरी पहन के चली गई थी। चलो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर थोड़ा अच्छे से रेडी होके जाएंगे, पता चला वो इस बार मेरी फोटो ही ना ले। लेकिन चलो जो भी हुआ, दिन बहुत अच्छा था। और सबसे ज्यादा आज के दिन में जो तारीफ बनती है वो बनती है भाभी की, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बिरयानी बनाई, बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग खा रहे थे सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ की किचन में हमने एक नई चीज ऐड कराई है, वो पीछे यहाँ पे हमने वो ब्लाइंड्स लगवा ली, क्योंकि यहाँ पे खुला रहता था, खींच के खोल लो बंद कर लो, कभी अगर ऐसे पीछे से सामान बहुत ज्यादा है, कोई मेहमान आए तो इसे बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे नई चीज इसलिए है कि मुझे बनाना है सनी के लिए लड्डू। अच्छा, सनी को बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी अम्मी भी बनाती है वो वाले, तो उसने कहा मुझे वही वाले आटे के लड्डू बना दो। तो अब आज रात में बनाऊंगी या कल बनाऊंगी। अगर आप लोगों की भी कोई रेसिपी है, जब तक अगर मैंने नहीं बनाए होंगे तो आप लोग भी यहाँ पे कमेंट से बता देना, नहीं तो फिर जैसे वाले बनते वैसे बनाऊंगी, क्योंकि लड्डू बनाना बहुत मुश्किल है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अभी लड्डू भी बनाने हैं, और कल के लिए जो सरप्राइज हम घर वालों के लिए कर रहे थे उसकी आधी तैयारी हो चुकी थी, आधी और करनी है। अपना ख्याल रखे, दुआ में याद रखे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।